हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन इस हाफ। तो पीछे के जो हमने टॉपिक्स किए हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम उसके बाद जो बाइज हमने फार्मूला बाइज निकालने के फार्मूलाज किया था, जो इससे पहले का टॉपिक था, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम इन इट्स हाफ। मींस जो भी मैचेस बाइज हम निकालते हैं, किसी प्रकार के टूर्नामेंट्स का आयोजन हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले टीम्स को, जितनी भी टीम्स हमारे पास आती हैं, उनको टू हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। तो उनको डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज के थ्रू हम टीम को डिवाइड करते हैं। अगर टीम्स टू की पावर्स में है तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि टोटल अगर टू की पावर्स में टीम है तो एक नॉर्मली डिवाइड बाय टू करके सेम दोनों हाफ्स में हम टीम को डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। बट टू की पावर्स में जब हमारे पास टीम्स नहीं होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे लोअर हाफ एंड अपर हाफ्स की टीम्स को डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली हम बात करते हैं जो अपर हाफ्स की टीम के लिए, अपर हाफ्स की टीम्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। मीन्स एन इज द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, मीन्स जो फार्मूलाज के अंदर एन दिया गया है, मीन्स उसका मीन्स होता है जो टोटल टीम्स हमारे पास होती हैं टूर्नामेंट्स के लिए वो। तो नेक्स्ट जो लोअर हाफ्स की टीम्स के लिए फार्मूलाज होता है वो सेम एज इसमें एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टीम। फर्स्टली एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, मतलब मीन्स हमारे पास 11 टीम्स अगर टोटल्स टूर्नामेंट्स के लिए, मैचेस के लिए खेलने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स 11 आती हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि 11 टू की पावर्स में नहीं होता है, तो इनको डिवाइड करने के लिए अपर और लोअर हाफ्स में डिवाइड करने के लिए हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। मीन्स एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास हैं 11 प्लस वन, ये होगी 12 डिवाइड बाई टू, यानी 6 टीम्स हमारे पास ये बच जाएंगी अपर हाफ के लिए। जो अपर हाफ की टीम्स हम निकाल रहे थे, अपर हाफ का फॉर्मूला हमने लगाया था, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अपर हाफ की टीम्स हो जाएंगी हमारे पास 6 टीम्स। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात करते हैं लोअर हाफ की, लोअर हाफ में एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, यानी एन इज द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ टीम्स 11 माइनस वन डिवाइड बाई टू, यानी 10 डिवाइड बाई टू, यानी 5 टीम्स जो हमारे पास बचेंगे वो लोअर हाफ्स के लिए बचेंगे। इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, अपर और लोअर हाफ्स में। उसके बाद बात करते हैं हम जो कंप्लीट फिक्सर में अपर हाफ और लोअर हाफ्स में जो बाइज की संख्या होती है वो किस प्रकार से डिवाइड की जाएगी, किस प्रकार से किस टीम्स को बाय मिलेगी, यानी अपर हाफ्स की टीम्स को। सबसे पहले इसमें हम टीम्स को छोड़ के अपर हाफ और लोअर हाफ्स की हम अगर बात करें तो किस टीम्स को कितनी बाइज मिलेंगी, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूलाज के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यानी नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, अपर हाफ की जो टीम होती है उसको कितनी बाई दी जाएगी, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास एन बी माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बी माइनस वन डिवाइड बाई टू। एन बी इज द नंबर ऑफ बाइज, यानी बाइज निकालने का फार्मूला हम इससे पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, यानी किस प्रकार से बाइज निकाली जाती है, यानी टू की पावर्स में टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती है, टू की पावर्स उससे सेम बराबर या उससे अधिक हो तो उसमें से टोटल की पावर्स में से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम माइनस करते हैं, उसके बाद बाइज निकाली जाती है। तो बाइज उसी प्रकार से हमने 11 टीम्स अगर हमारे पास हैं तो टू की पावर्स में 16 नंबर्स, नेक्स्ट जो नंबर आता है टू की पावर्स का, तो 16 माइनस 11 तो 5 बाइज हमारे पास आती हैं। तो उसी प्रकार से यानी टोटल 11 के लिए यहाँ पर बाइज आई हमारे पास 5 बाई आई थी, तो यानी टोटल बाइज
की संख्या हम यहाँ पर राइट करेंगे एंड माइनस वन अपर हाफ में कितनी बाईस आएंगी उस वो निकालने के लिए, यानी डिवाइड बाई टू, यानी फाइव माइनस वन फोर, यानी फोर डिवाइड टू, तो हमारे पास अपर हाफ की में कितनी बाईस आएंगी, टू बाईस, तो अपर हाफ की बाईस हमारे पास टू बाईस आ चुके हैं। उसी प्रकार से हम लोअर हाफ की बाईस निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं एन बी प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन बी इज द नंबर ऑफ बाई, मीन्स फाइव, जो फाइव बाईस हमारे पास आई थी इलेवन टीम्स के अकॉर्डिंग, तो फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू यानी सिक्स डिवाइड बाई टू एंड थ्री बाईस, यानी लोअर हाफ की टीम्स में कितनी बाईस आएंगी, थ्री बाईस। इसको एक फिक्सर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी टोटल बाईस हमारे पास कितनी आई है, फाइव, फाइव बाईस हमारे पास थी, उसमें से हमने डिवाइड किया था, यानी अपर हाफ की में टू बाईस आई थी और लोअर हाफ में थ्री बाईस आई थी। तो बाईस देने का सबसे जो एक इम्पोर्टेंट सा फिक्चर में बाईस किस प्रकार से दी जाती है, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है किस प्रकार से बाईस डिवाइड की जाती है, तो उसके लिए हमें इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यानी टोटल टीम्स हमारे पास इलेवन टीम्स को हम, हमारे पास टोटल टीम्स हैं इलेवन, तो सबसे पहले हमने अपर हाफ्स में टीम्स को डिवाइड किया था, तो वो फार्मूलाज के थ्रू हमारे पास अपर हाफ्स की टीम आई थी हमारे पास सिक्स टीम्स और लोअर हाफ्स की फाइव, यानी टोटल सिक्स टीम हमारे पास, वन टू सिक्स टीम्स इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ वन टू थ्री फोर फाइव, यानी फाइव टीम्स हैं जो हमारे पास लोअर हाफ में आ गई। इस प्रकार से हम टू हाफ्स में इन टीम्स को डिवाइड कर देंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बाईस को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, उसके लिए एक रूल रेगुलेशंस होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, उसी प्रकार से हम बाईस देंगे, चाहे टीम्स की संख्या यहाँ पे कितनी भी हो, वो फॉर्मूला कितनी ही बाईस हैं वो उसी प्रकार से एक्टिविटी मतलब हर टीम्स पर, टोटल नंबर ऑफ टीम्स पर लागू किया जाएगा, तो सेम प्रोसीजर रहेगा उसमें, मैं उसको आपको समझाने की फाइव बाईस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। तो नेक्स्ट फर्स्ट बाई जो होती है, फर्स्ट बाई सबसे पहले लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को दी जाती है, चाहे टीम्स की संख्या कितनी भी हो, यहाँ पर अगर 19 है या 23 है या फिर 34 है, ऑल टोटली जितनी भी बाईस आती हैं, एक लास्ट टीम जो होती है लोअर हाफ की, मीन्स लोअर हाफ्स की बात करें, लोअर हाफ्स की जो सबसे लास्ट टीम होती है उसको दी जाती है सबसे पहली बाई, यानी फर्स्ट बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाती है। और जो सेकंड बाई होती है, अब बात करते हैं वो अपर हाफ की सबसे टॉप टीम को, यानी अपर हाफ की जो सबसे ऊपर वाली टीम है उसको हम सेकंड बाई दी जाती है। तो नेक्स्ट बाई थ्री नंबर बाईस की हम बात करते हैं, थ्री नंबर बाईस के लिए हम वापस लोअर हाफ में आते हैं और लोअर हाफ की जो सबसे अपर टीम है, यहाँ पर समझने वाली बात है, यानी लोअर हाफ की अपर सबसे अपर अपर टीम मतलब ऊपर वाली टीम है जो, तो लोअर हाफ की जो सबसे ऊपर वाली टीम है वो है सेवन नंबर, तो थर्ड बाईस हम किसको देंगे, सेवन नंबर्स को। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर नंबर बाईस के लिए, तो फोर नंबर बाईस के लिए हम वापस अपर हाफ में जाते हैं, तो फोर नेक्स्ट जो फोर नंबर बाईस है वो दी जाती है अपर हाफ की सबसे लास्ट मतलब जो सबसे नीचे वाली टीम होती है उसको, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली टीम है सिक्स नंबर, तो हमने जो फोर नंबर बाईस है वो सिक्स नंबर टीम को दी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है जो फाइव नंबर बाईस, टोटल नंबर बाईस हमारे पास फाइव है, तो फाइव नंबर बाईस सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, यानी उसके बाद हम नेक्स्ट यानी अपर हाफ की टीम को हमने बाईस दी है अभी, तो नेक्स्ट बाईस लोअर हाफ में जाएगी और लोअर हाफ में सेम प्रोसीजर जिसे फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था, यानी जो लोअर हाफ की सबसे जो नीचे वाली टीम है उसके अंदर हम फाइव नंबर बाईस देंगे, तो ऑलरेडी इलेवेंथ को बाई मिल चुकी है, तो उसके बाद जो लोअर टीम लोअर हाफ की जो सबसे लोअर टीम नीचे वाली टीम है वो आती है टेन नंबर, तो इसमें हम टेन नंबर टीम्स को फिफ्थ नंबर बाईस दे देंगे। नेक्स्ट अगर सेम अगर ज्यादा टीम्स हमारे पास है, ज्यादा बाईस हमारे पास होती हैं, अगर टीमों की संख्या अधिक होगी, बाईस की संख्या भी अधिक होगी, तो उसमें उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर जिस लोअर हाफ की टीम्स को हमने फाइव नंबर बाईस दिए, अगर सिक्स नंबर बाईस हमारे पास होती
तो वो लोअर अपर हाफ की यानी सिक्स नंबर वाइज किसको मिलती, अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को मीन्स टू नंबर को वो बाई दी जाती। तो बच्चों आपको ये मेथड है जो फिक्सिंग बाई का वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार आप स्वयं करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।